महाराष्ट्र प्रदेश की ओर से भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा महाराष्ट्र प्रदेश ओबीसी जागरण श्री क्षेत्र पंढरपुर से 9 अगस्त को अभियान शुरू हुआ है और इस प्रथम चरण का समापन 13 अगस्त को कविवर्य सुरेश भट्ट सभागृह रेशमबाग चौक नागपुर में आयोजित किया गया है। ऐसी जानकारी आयोजित पत्रकार परिषद के दौरान शहर अध्यक्ष प्रवीण दटके द्वारा दी गई। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा नागपुर शहर अध्यक्ष प्रवीण दटके ने कहा कि इस मोर्चे में सभी लोग शामिल हों तथा इस मोर्चे में कोरोना के नियमों का पालन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस, प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल, प्रदेश सरचिटनीस चंद्रशेखर बावनकुए, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हंसराज अहिर, खासदार विकास महात्मे संजय कुटी, योगेश टीकर, शहर अध्यक्ष प्रवीण दटकी, आमदार कृष्णा खोपड़ी, आमदार मोहन मती, आमदार विकास कुम्भारी, साथ ही विदर्भ के सभी आमदार, खासदार, ओबीसी नेता तथा कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम में विदर्भ के सभी जिलों के ओबीसी प्रतिनिधि एवं नागरिक उपस्थित रहेंगे। भट्ट सभागृह सोशल डिस्टन्स पाळून नियम पाळून या जागर यात्राचा एक मोठा मेळावा भट सभागृहात आहे। माननीय नितीनजी, माननीय देवेनजी, माननीय चंद्रकांत दादा, माननीय चंद्रशेखरजी बावनकुळे, माननीय योगेश अण्णा टिळेकर असे सर्व नेते मंडळी, या माननीय खासदार महात्मे साहेब असे सगळे नेते मंडळी या जागर मेळाव्याला उपस्थित राहणार आहे। माझी आपल्या सर्व पत्रकार बंधूंना आणि भगिनींना विनंती आहे की आपण तिथे आमंत्रित आहात। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज नागपुर।